ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे जा जा ना। तुम्हें मगर ने नहीं खाया है, और वो मगर मैं थी। मैं एक ऋषि के श्राप से मगर बन गई थी। तुमने मेरी कमर तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसे बोलकर तुम किसी भी रूप में आ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र एक दिन में केवल 3 बार के लिए है, और शाम होने के पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, नहीं तो तुम गधे बन जाओगे। यहाँ, ये। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। हमारे साथ खेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा रास्ता रोका, ये लो। भीम का व्यवहार बदल गया है। महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, प्रधानमंत्री भीम ने आज हमसे घूस मांगी, और घूस न देने पर इन्होंने हमारे खेतों में जानवरों को छोड़ दिया। महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। नहीं महाराज, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने इनसे कोई घूस नहीं मांगी। महाराज, ये गांव वाले सही कह रहे हैं। हाँ महाराज, भीम जब से प्रधानमंत्री बना है तब से इसका व्यवहार बदल गया है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भीम, हम तुम्हें अभी इसी समय प्रधानमंत्री पद से हटाते हैं। लेकिन महाराज, हम तुम्हारी शिकायत महाराज से करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जाओ जो करना है कर लेना। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई सारी कहानी। आज से ढोलकपुर का नया सेनापति होगा भीम। अरे भीम कहाँ है? रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। भीम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। रुको, अगर तुम भीम हो तो फिर वो कौन है? नहीं महाराज, मैं ही हूँ असली भीम। इसका फैसला अभी हो जाएगा कि असली भीम कौन है और भैरूपिया भीम कौन है। बस बहुत हो गया कालिया, अब तेरा खेल खत्म हुआ। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। पहले सबको बता कि तू कौन है। बताता हूँ मैं नहीं। इतना सारा सोना एक साथ। हमें तो जल्दी से ढोलकपुर से दूर निकल जाना चाहिए, है ना? मत भूलो हमारा क्या सौदा हुआ था। मैंने तुम्हें जेल से भागने में और खजाना लूटने में मदद की है। जब तक भीम यहाँ नहीं आ जाता और मेरी नई जादू की छड़ी तैयार नहीं हो जाती, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। छीन टपाक डम डम, ये चुड़ैल ठीक कह रही है, मैं भी भीम को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। पर उसके लिए क्या करना होगा? हम कल राजा को संदेश भेजेंगे कि
कि अगर वो भीम को हमारे हवाले कर दे तो छीन टपाक डम डम हम उन्हें खजाना लौटा देंगे। हम खजाना वापस नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे खजाना वापस। एक बार भीम हमारे कब्जे में आ जाए तो छीन टपाक डम डम तुम खजाना लेकर निकल जाना। कोई जरूरी तो नहीं कि हम अपनी बात रखें और छीन टपाक डम डम खजाना लौटा भी दे। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। जगह तो यही है, तुम लोग यहीं रुको, पहले मैं अकेले ही अंदर जाता हूँ। आखिर तुम हमारे जाल में फंसी गए। तुम और तुम भी? ओ, तो तुम लोगों ने जेल से भागकर शाही खजाना चुराया है? हाँ हाँ, चुराया है। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, और भी हैं जिन्हें तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। तुम कितने मूर्ख निकले भी। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना छीन टपाक डम डम लौटा देंगे? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी। छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम, बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। छीन टपाक डम डम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। छीन टपाक डम डम, ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो। छीन टपाक डम डम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। छीन टपाक डम डम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं तुम हो, तुमने उसे हरा कर मेरा आधा काम कर दिया। छीन टपाक डम डम, चंगा रमन तरकंग करके चंगा दर्द पंजा राजू।
राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, राजू तुम अंदर हो? हाँ। क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। जाओ यहाँ से। यहाँ से राजू का घर साफ दिख रहा है। वाह वाह मेरे चंट चमगादड़, अब मेरे प्लान का दूसरा भाग पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जान गए हैं। हम कल इसके प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो वहाँ। चखाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम एक एक करके। अरे ये क्या है? क्या हुआ? पास चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। बदला ले लो, पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी।
राजू डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम? डर लग रहा है क्या तुम्हें? ओह, तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। भीम, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ओह, तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जला कर बताओ तो मानू। अच्छा तो लो, मैं आ गया। पेलू, तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा नहीं तो क्या करोगे? आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये पेलू को लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है। मैं आग उगल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को हरा सकता हूँ। अच्छा अभी देख लेते हैं। ये क्या, मैं तो छोटा हो रहा हूँ। नहीं, हमने देर कर दी, चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! दो दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता नहीं, लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? डरो मत भोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे तो नहीं? लगता है उस कपड़े के पीछे कुछ छुपा है। संभल कर भीम। भीम, तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमें देर ना हो जाए। अगर उड़ के जाए तो बिल्कुल नहीं। ढोलकपुर की तबाही। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये
परसों सुबह सूरज निकलने से पहले हम ढोलकपुर लौट आएंगे और हम चाहते हैं कि कल के दिन हमारी गैर मौजूदगी में तुम राजमहल में रहकर राज्य का कार्यभार देखो। ये! हम अब सूरज ढलते ही निकल जाएंगे। जी महाराज। महाराज के चचेरे भाई गर्जा सिंह राजमहल आ पहुंचे हैं। बहुत समय पहले वो राजभवन में ही रहा करते थे। महाराज ने उनकी बुरी आदतों और बुरी नियत को कितनी ही बार नजरअंदाज कर दिया, पर तब भी जब उनके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया तो आखिर महाराज ने उन्हें ढोलकपुर छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। ओह, महाराज के वापस आने तक वो राजमहल में मेहमान ही रहेंगे। कहो भीम, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमने तो खूब मजा किया। मत पूछ, एक के बाद एक सबकी मुश्किलें मुसीबतें सुन और सुलझा रहा हूँ। ये आहट कैसी? हमें किसी ने मारने की कोशिश की। शाम के खाने तक हम चारों तरफ फैल जाते हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम था। इस बार काम हो जाना चाहिए और अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मालिक, काम हुआ समझिए। बस रात का खाना टेबल पर पहुंच ही चुका है। बेटा भीम, हम बहुत खुश हैं कि आज हम तुम्हारे साथ खाना खाने का सौभाग्य पा रहे हैं। मुझे तो अपने लड्डू ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। अब आप भी शुरू कीजिए, खाइए ना। तुम भी ये खाना खाओ। नहीं, हमारा आदेश है। मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो जहर है, इसलिए तो ये भी नहीं खा रहे। बहुत हो गया, ये जहर नहीं तो मेरी तलवार का वार चखेगा। हमने सोचा था कि राजमहल से दूर रहोगे तो शायद तुम्हारी गंदी आदतों में सुधार आ जाए। आपने हमें ढोलकपुर से निकालकर गलत किया। सुधार तो तुम्हें लाना ही होगा। इस बार तो तुमने भीम पर हमला करके सब हदें पार कर दी और हमें भी बहुत शर्मिंदा किया है। सैनिकों, इसे ले जाओ यहाँ से। बंदरों को तो मैं ही देख लूंगा। पर मगर कालिया, वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ। कालिया
यहाँ पहलवान। चलो जग्गो। जग्गू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चल कर देखते हैं। भागो, गुदगुदी करना बंद करो। जग्गू, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊँ, कल सुबह मैं बाहर पेड़ पर बैठ कर अपनी पूंछ के साथ केले तोड़ा था। पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो, बस करो। कालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 पूछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो, शायद ये वही पेड़ है। जग्गू, हम
जग्गू। ये हमारे दोस्त जग्गू का घर है।